दोस्तों आरबीआई की तरफ से दो बड़ी न्यूज निकल कर आई है जिसको आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज मार्केट का क्लोजिंग था, यानी कि अब मार्केट मंडे के दिन ओपन होगा, तो यहां पर फ्राइडे की न्यूज, सैटरडे की न्यूज़ और संडे की न्यूज़ मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको अपडेट रहना है ताकि किसी भी न्यूज़ से आप यहाँ पर चूके नहीं। जैसा आपको टेलीग्राम चैनल पर निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के सपोर्ट बताए गए थे, रेजिस्टेंस बताए गए थे, उसी के अप्रोक्स आपको यहाँ पर आज मार्केट देखने को मिला है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो आज निफ्टी बैंक के अंदर भी आपको 0.092% की गिरावट देखने को मिली है, यानी कि 29 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट अभी एक स्टेबल मूवमेंट में यहाँ पर चल रहा है, कोई ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसके पीछे की वजह क्या है उसे भी जानने की कोशिश करेंगे और आरबीआई की जो दो बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है उसे भी जानते हैं। उसी के साथ अगर निफ्टी 50 में भी देखेंगे आज आप, तो निफ्टी 50 की भी जो क्लोजिंग निकल कर आई है वो 14,346 रुपये की निकल कर आई है। लगभग 59 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट आपको निफ्टी 50 के अंदर भी देखने को मिली है। तो जो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बताए गए थे, जो निफ्टी 50 के भी सपोर्ट लेवल बताए गए थे आपको 14,200 रुपये के, उसके अप्रोक्स ही यहाँ पर आपको आज निफ्टी 50 ट्रेड होते हुए देखा है। यानी कि निफ्टी 50 ने आज अपने 14,200 रुपये के सपोर्ट लेवल को आज भी ब्रेकआउट नहीं किया है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि अगर निफ्टी 50 अपने सपोर्ट लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आपको यहाँ पर पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपडेट निकल कर आई है उसकी तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर जो हेड है शक्तिकांता दास, उनकी तरफ से ये अपडेट निकल कर आई है जिसमें उन्होंने यहाँ पर क्लियरली कहा है राइजिंग केसेस द सिंगल बिगेस्ट चैलेंज टू रिकवरी। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर और इसी के साथ में जीडीपी ग्रोथ को लेकर बहुत बड़ी चिंता यहाँ पर जताई है आरबीआई ने, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल डे के अंदर केसेस निकल कर आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिगेस्ट चैलेंज बने हुए हैं इंडिया के अंदर। अगर उन पर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो आने वाले टाइम में सिचुएशन और ज़्यादा आपको वर्स्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो शशिकांता दास जी की तरफ से अपडेट निकल कर आई है, उन्होंने कहा है लर्निंग ऑफ द लास्ट वन ईयर शुड हेल्प मैनेज द क्राइसिस एज इट्स अनफोल्ड्स। यानी कि अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें हम तो सबसे ज़्यादा केसेस आपको अभी के टाइम पर देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है द रिन्यूड जंप इन द कोविड-19 इन्फेक्शंस इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द एसोसिएटेड लोकलाइज्ड एंड रीजनल लॉकडाउन्स एड अननेसेसरी अनसर्टेनिटी टू ग्रोथ आउटलुक। यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी यहाँ पर 7 अप्रैल को, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ पर अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की सिचुएशन बन रही है गवर्नमेंट को वापस यहाँ पर कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेनी पड़ेगी इंडस्ट्री को लेकर, और भी यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनके सामने जिनको लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्शंस लेना पड़ेगा। तो ये सारी एक्शन जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट लेगी उससे इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी आपको यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। द नीड ऑफ द आवर इज टू इफिशियंटली सिक्योर द इकोनॉमिक रिकवरी अंडर वे सो दैट इट इज बिकम्स ब्रॉस बेस्ड एंड ड्यूरेबल। यानी कि अगर इस चीज़ को अभी कंट्रोल में कर लिया जाता है तो आपको वापस एक बूस्ट देखने को मिल सकता है इकोनॉमी रिकवरी के अंदर, लेकिन अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो आपको इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसके अंदर 2021 के अंदर जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लगाई थी उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को नहीं मिलने वाली। हालांकि कल भी हमने आपको ये अपडेट बताई थी कि जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लगाई थी जीडीपी ग्रोथ को लेकर वो यहाँ पर उसे यहाँ पर डिक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मिड फेब्रवरी के मंथ से जो यहाँ पर इंडिया के अंदर केसेस आना स्टार्ट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा केसेस आना स्टार्ट हो गए हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ को डिक्रीज कर दिया गया है। अब जीडीपी की ग्रोथ यहाँ पर 10.2% कर दी गई है, जो कि यहाँ पर 10.5% के अप्रोक्स यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लगाई गई थी। तो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही है कि कोविड की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर आप लेटेस्ट अपडेट देखेंगे तो उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा आरबीआई गवर्नर की तरफ से कोविड स्पाइक अ मेजर हैंडल टू द ऑन गोइंग रिकवरी इन इंडियन इकोनॉमी। बहुत बड़ा यहाँ पर रीजन बनने वाला है कोविड हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लेकर।
इसके साथ आपको पता है कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर इंडिया के अंदर लगभग 335,000 के अप्रोक्स यहां पर केस रिकॉर्ड किए गए हैं। डेथ के केस में भी यहां पर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और अगर ऐसी ही चीज़ें बनी रही तो इंडिया वर्ल्ड में आपको कोविड के केसेस में, कोरोना के केसेस में नंबर वन पर भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि पर डे पर जो केसेस निकल रहे हैं वो तो इंडिया के अंदर अभी सबसे ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल केसेस में अगर बात करें, एक्टिव केसेस की बात करें, तो यूएसए हमसे ज़्यादा एक्टिव केसेस में अभी आगे है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे ही केसेस आते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जब इंडिया नंबर वन पर आपको देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। और यहाँ पर मार्केट के अंदर जो अभी आपको वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है कुछ सेशन, कोई लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर टॉप 10 स्टेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर 75% न्यू कोविड-19 के केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो जिसमें कि अगर मैं मेन स्टेट्स की बात करूं तो दिल्ली के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही है, बॉम्बे के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही है। तो अगर इन केसेस पर, इन मेट्रो सिटीज़ के अंदर केसेस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आपको ऑफिसेस और यहाँ पर जितनी भी हेड ऑफिस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो पूरी तरीके से शटडाउन होते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अभी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्ट है, लेकिन कम वर्कर में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है। लेकिन जब आपको पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शटडाउन होते हुए देखने को मिलेगी तो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आपको यहाँ पर मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। तो आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है? आपको क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, उनमें अगर SIP करते हैं, तो वो चीज़ें आपको 1-2 साल बाद जब मार्केट के अंदर वापस बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, वापस जब बुल्स हावी हो जाएंगे मार्केट के ऊपर, तब आपको उसका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा मिलेगा। और वो क्वालिटी स्टॉक्स हम आपको कंटिन्यूसली हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ जो एक राहत देने वाली खबर है वो है वैक्सीनेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितनी रिसर्च करी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो यहाँ पर रिसर्च करी गई है कि 10,000 पीपल पर जो वैक्सीनेशन का रिजल्ट निकला है, वो 10,000 पीपल पर जो वैक्सीन लगी है उसमें से सिर्फ 4 जने यहाँ पर कोविड पॉजिटिव आए हैं। तो आपको वैक्सीन के लिए बिल्कुल यहाँ पर पैनिक नहीं लेना है, वैक्सीनेशन बिल्कुल यहाँ पर सक्सेसफुल है। इसके साथ अभी आपको फार्मा सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी प्रॉफिट बुकिंग भी फार्मा सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन आप इंट्राडे सेशन अगर करना चाहते हैं किसी ऐसे स्टॉक्स के अंदर जिसके अंदर कोविड के केसेस बढ़ते भी हैं तो भी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो फार्मा सेक्टर और IT सेक्टर आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। मार्केट के व्यू क्या रहने वाले हैं मंडे के दिन वो आपको कंटिन्यूसली हमारे चैनल से मिलते रहेंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मंडे के दिन के मार्केट के सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।